अरे अब बढ़िया से काम नहीं मिल रहे हैं, खुशी क्या है? सलाम मत मारो, होली है। सलाम मत मारो, होली है। के दलाली में इतना नीचे गिर गए हैं तो हमें तो जवाब देनी पड़ेगी। वो तो खुद डॉक्टर डॉक्टर झोला साहब डॉक्टर हैं, नकली डॉक्टर हैं। कहाँ है सर्टिफिकेट उनका दिखावे? कहाँ उनका डॉक्टर का सर्टिफिकेट है दिखावे? वो नकली डॉक्टर हैं, वो कोई डॉक्टर नहीं, झूठा डॉक्टर इरफान साहब झूठा लिखवाते हैं। वो नकली डॉक्टर हैं, नकली डॉक्टर है इरफान सारी। कहाँ है उनका डॉक्टर का सर्टिफिकेट? वो दिखावे। रणधीर जी, इरफान जी कह रहे हैं कि आपका इलाज करेंगे। वो नकली डॉक्टर क्या इलाज करेगा? उनका इलाज तो खुद कलकत्ता में हो गया। कलकत्ता में खुद इलाज हो गया 3 महीने के लिए। कलकत्ता गए थे इलाज करने के लिए, तो पूछिए 3 महीने कलकत्ता में इलाज हुआ। हेमंत सोरेन जी ने उनका इलाज कर दिया और वो बीजेपी के विधायकों को मैं कहता हूँ इरफान साहब हाँ उसमें तंदी नैतिकता है तो हेमंत सोरेन का चमचागी नहीं करना चाहिए उनको। धन्यवाद। दूसरा ये रणधीर सिंह के बारे में बोलूंगा, इसको मैं दूंगा फौरन मेल। हाँ जी, रणधीर सिंह ने इसको मैं शब्दों का प्रयोग नहीं, आप लोग से मैं कहूंगा ये लैंग्वेज अन पार्लियामेंट्री लैंग्वेज। ठीक है, एमएलए बताइए, ये एमएलए है जी, बोलिए ये क्या बोल रहे हैं? देखिए अब विपक्ष के लोग पागल हो चुके हैं। इरफान भाई हमारे बहुत ही क्लोज मित्र हैं। आज होली का माहौल है, गुलाबमल माने होली है। होली में हम लोग एक दूसरे का मजाक किए, इसको आप मीडिया वाले अन्यथा में नहीं ले। दोनों हमारे मित्र क्लोज मित्र हैं। लेकिन चल रहा है सर, चल रहा है, चल रही है। देखिए मेरी बात सुनिए, रणधीर सिंह जी जो है मंत्री रहे हैं, पूर्व मंत्री है, तो इन्होंने जो अनाप शनाप बोला मेरे बारे में जो बोला, और जब हमने इनसे डिस्कशन किया कि भाई ऐसा कोई बात मत बोलिए जिससे आचरण पर लगे, तो मैंने इनको तो कोई व्यक्तिगत नहीं कहा। अब इन्होंने मेरे पर व्यक्तिगत कहा, मैंने कहा कि जिस तरह से इन लोगों का आचरण है, जो टी शर्ट पहन के आ रहे हैं, तो इस संबंध में मैंने कहा था, इनको व्यक्तिगत मैंने नहीं कहा। इन्होंने कहा कि नहीं चलिए अब कहीं चुप हो जाता, अभी चुप आते हैं, और इनकी यही पहचान है, खूबसूरती भी यही है, जनता का कोई मुद्दा है बहुत एग्रेसिव उठाते हैं, तो हर मुद्दा को सोचते हैं एग्रेसिव उठा दें, लेकिन उसी में नहीं होना चाहिए। मैंने इनको समझाया है कि देखिए भाई कोई ऐसी बातें ना करें, हल्की बातें नहीं होनी चाहिए मीडिया में, जिससे मैसेज गलत जाए। तो हम इलाज भी किए, और मैंने इनको कहा कि हम लोग की लंबी पारी है, और दवाई तो कई दवाइयाँ हैं, हाँ, काम करती है। डॉक्टर साहब बहुत ही मेहनती विधायक हैं, हमेशा क्षेत्र राज्य की जनता की जरूरत है। और कल कुछ इन्होंने हल्की बातें मीडिया में कर दी थी, अभी भारतीय जनता पार्टी के भगवाधारियों को इन्होंने लौंडा कह दिया था, तो इन्होंने भी बोल दी है। तो आज भी हम लोग दोनों ने, हमने भी कुछ इनके बारे में कह दिया, दोनों भाइयों ने, हम लोगों ने फिर रिलाइज किया कि नहीं, दोनों भाई का, हम लोग का इस तरह से हल्की बयान नहीं होनी चाहिए। लेकिन चूंकि इन्होंने कहा उधर से हमने किया था भाजपा की ओर से, फिर दोनों का हम लोग का विधानसभा के बाद आज हम लोग मीडिया में आकर दोनों भाई आके गले मिले, होली बुरा मत मानो, होली गला मिले, गला अच्छा से मिलेंगे, ए गला मिले, एक बात और, गला मिले, गला मिले, मैं एक बात और कर दूं, बाइक तो नीचे करिए, गला मिले, उसके बाद गला मिले, मैं एक रुक रुक मैं एक बात बताऊं, रणधीर सिंह तो फिर कुछ नहीं कीजिएगा, भाई है, लेकिन सुन तो लीजिए, लेकिन जो आईडी नीचे भी करता है, ये मुझे सही नहीं लगा। आपको बता दूं, मंत्री चश्मा दिख रहा था, उन्होंने मेरे डीपी पे सवाल उठाया था, मैंने मान हानि का दावा किया था, बाद में माफी मांगी थी। तो क्या दोस्ती में माफी? मेरी बात सुनिए, मैं कहना चाहता हूँ, मैं MBBS MD क्वालिफाइड डॉक्टर हूँ जी। भाजपा के लोग मजाक में करते हैं ना, तो कम से कम मैं इनसे कहूँगा कि किसी के डिग्री देखिए, आज इतना देखिए डिग्री जो है ना, इनका जो डिग्री है
इन्होंने आज तक हम लोग को नहीं दिखाया डिग्री नकली है वो डिग्री हम लोग जांच करके चाहते हैं जांच हो और डॉक्टर साहब हम लोग को डिग्री कहाँ से मेरा डिग्री असली है कहाँ से कहाँ से यूक्रेन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया आपके जैकेट के निकाल लीजिए डिग्री असली है कि नकली है दैट्स ऑल। उसके बाद और सबसे बड़ा प्रमाण क्या दूं मैं, देखिए आज से एक घंटा पहले कैसे आए थे और एक घंटा के बाद कैसे आ रहे हैं, मैंने इलाज किया है सारा फिर से।